आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, करो। और यूपीएससी 2023 का बैच शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि 15 जून तक लास्ट डेट है, पूरा लाइव बैच है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे। और हमने यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल और पीएसआईआर ऑप्शनल का भी कोर्स लॉन्च कर दिया, तो अवेल करो। तो भैया कल कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, कांग्रेस कल बहुत ज्यादा बवाल हुआ। कल मैं भी दिल्ली में ही था और कल तो मतलब कल मेरे लेक्चर नहीं आया और कल फिर मतलब शाम को फ्लाइट थी तो मैं लखनऊ आया, फिर आज लेक्चर ले रहा हूँ। तो जब मैंने देखा तो मैंने देखा यार ये न्यूज़पेपर्स ने क्या कवर किया हुआ है, देखा भाई कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो कल कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। क्यों सत्याग्रह किया? क्योंकि राहुल गांधी को बुलाया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। भाई गजब एंट्री, कुछ भी कहो, राहुल गांधी की जो एंट्री थी ना, मतलब भैया इतनी भीड़ और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एकदम चौड़े से ऑफिस गए। लेकिन दोस्तों ये नींद उड़ गई है कांग्रेस पार्टी की। पिछले दस सालों से इस केस ने नींद उड़ा रखी है। नेशनल हेराल्ड केस हम देखेंगे दोस्तों, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए राहुल गांधी को समन किया गया था कल और सोनिया गांधी को समन किया गया था 10 तारीख को, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, कोविड था उनको, तो हॉस्पिटल में थी। तो अब वो 23 जून को जाएंगी। तो कल काफी उसमें पोस्टर लगाए गए कि मैं भी राहुल, और उसके बाद मैं राहुल है झुकेगा नहीं, इस तरीके के काफी पोस्टर्स लगाए गए। और कांग्रेस का ये सत्याग्रह था, मल्लिका अर्जुन खड़गे और आपके अशोक गहलोत जैसे बड़े बड़े नेता जो हैं, वेणुगोपाल, तो ये जितने भी हैं ये इनको जेल में डाला गया। और काफी और भी कारक, बहुत सारे मतलब काफी भीड़ थी, एकदम समझ लीजिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। क्यों ना झोंके भाई, उनका अध्यक्ष जो है वो सीधा कटघरे में है। तो बात करेंगे दोस्तों हम नेशनल हेराल्ड केस की, ये क्या है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आखिरकार क्यों इनको समन भेजा है। अब देखिए ऐसा बहुत, देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स इसमें गड़बड़ियां होती हैं बहुत ज्यादा, बहुत ही कम आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। अगर मान लीजिए किताबें खुल गई ना तो सबके सब नप जाएंगे, सबके सब। लेकिन बात यह है कि जिसकी सत्ता होती है चलती उसी की है। तो अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने 55 करोड़, तो ठीक है टोटल गड़बड़ी 2000 करोड़ की है, 2000 करोड़ की इन्होंने गड़बड़ी की है। अब ये कैसे की है? मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है अभी मैंने एक लेक्चर लिया था जब मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया था, जब सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया था, ईडी ने अरेस्ट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, कि ब्लैक का पैसा व्हाइट कैसे किया जाता है। ठीक है, उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, अभी मैं आपको इसमें भी बता दूंगा। तो दोस्तों केस वही है एक तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मॉडस ऑपरेंडी होता है ना वो एक ही होता है, इधर उधर से फंडिंग लो, मतलब पैसा इधर उधर से शेल कंपनीज क्रिएट करके पैसा ले आओ। क्योंकि देखिए ब्लैक का पैसा क्या होता है, जो आप टैक्स देके, जो आप टैक्स नहीं देते हो, आपने कैश में रखा हुआ है, मतलब बेसिकली जिसका आपके पास हिसाब नहीं है, अब उसी को आपको वाइट करना। तो आसानी से बहुत सारे तरीके हैं, हवाला सिस्टम है, उसके बाद यही जैसा शेल कंपनीज बना के बहुत सारे सिस्टम है। लेकिन ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया, ये कैसे ईडी कह रही है कि भैया यहां पे तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है, उसको हम देखते हैं। तो यहां पे कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी दोनों को ही समन किया गया। तो राहुल गांधी तो कल गए 13 जून को और सोनिया गांधी 23 जून को जाएंगे। अब राहुल गांधी से काफी सवाल पूछे गए, सवाल जो जो पूछे गए सवाल वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए भारत में ऐसे ऐसे केस हुए ना कि आप हिल जाएं। ठीक है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे क्राइम केसेस, क्रिमिनल्स की बात करें, स्पेशली सीरियल किलर्स की बात करें, तो भैया होश उड़ा देने वाले हुए हैं। तो ऐसे ही एक किताब है, डेवलपमेंट ऑफ अ सीरियल किलर, ये जब आप किताब सुनेंगे तो हिल जाएंगे। मैंने ठीक बोला, आप सुनेंगे, ऑडियो बुक है। लेकिन आप इसको कहां सुन सकते हैं? आप इसको सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको 1000+ घंटे का कंटेंट वो भी इतने कम दामों में मिलेगा, 4.5+ रेटिंग्स, ढेरों बुक समरीज और ऑडियो बुक आपको सुनने को मिलेगी। अब किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बता दो कि अभी इनकी सेल चल रही है, आपको घर 50 कूपन कोड यूज करना है, 11 जून से लेकर 19 जून तक इनकी सेल है। बड़ी बात यह है कि जो इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो इतना सस्ता है, वैसे इनका 399 का है, जैसे ही आप घर 50 यूज करेंगे ये सीधा 50% ऑफ पे आ जाएगा, 199 यानी कि 199 रुपए में पूरे साल भर आप ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज वो भी हिंदी में सुन सकते हैं। तो बहुत ही शानदार इनका ऐप है और सेल का पूरा फायदा उठाएं। अब ऐप को डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे जो लिंक दिया हुआ है उस पे क्लिक करें, गूगल प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट होंगे, डाउनलोड करें ऐप को और कूपन कोड अप्लाई करें। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ही है,
तो इसीलिए जल्दी करें, कहीं ऑफर निकल ना जाए। ओके, तो अब बात यह है कि भाई देखो, जो कांग्रेस है, पहले तो समझ लीजिए आरोप प्रत्यारोप क्या। स्मृति ईरानी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकदम धर के गरियाया यहां पे कांग्रेस को, ठीक है, कि ये कैसे हुआ। और कांग्रेस ने भी धर के बीजेपी को गरियाया कि ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो यार, तुमको और कुछ नहीं, तुमको किसी से भी नफरत होती है, तुम ईडी को ही पीछे लगा देते हो, तुम किसी को झेल नहीं पाते हो तो ईडी को ही पीछे लगा देते हो। अभिषेक सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला ने बोला कि ये अजीबोगरीब केस है, कैसा कहां से मनी लॉन्ड्रिंग आपको दिख रही है ये। लेकिन भैया देखो, ये केस अभी का नहीं है, ये ईडी अभी नहीं, ये बेटा 2012 का केस है, 2012। गड़बड़ियां तो हैं, कुछ भी कहो आपको प्रॉब्लम लगेगी। अब हम बात करते हैं कि नेशनल हेराल्ड क्या है। देखिए, ये एक न्यूज़पेपर था पहले के जमाने में, भारत को अपनी आवाज रखने के लिए न्यूज़पेपर से ये होते थे। याद रखिए, लॉर्ड रिपन आए थे 1880 में, ठीक है, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, इससे पहले क्या था, सेंसरशिप एक्ट। मतलब ब्रिटिश हुकूमत जो है उनको पता था कि भैया उस समय व्हाट्सएप नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, ये पेपर्स जो है ना ये जाएंगे घर घर, और इसमें जो क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी बातें पहुंचेंगी, और उनकी बातें पहुंच गई तो लोग जाग जाएंगे, लोगों की चेतना जाग जाएगी, तो क्या करें, यह लगाओ प्रेस पे सेंसरशिप। तो बेसिकली ब्रिटिश हुकूमत जो है वो सेंसर्स करती थी। लेकिन धीमे धीमे दोस्तों हुआ क्या कि प्रेस का उदय हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का उदय हुआ, ठीक है, और भारत में ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर आए जिन्होंने कमाल कर दिया। उसमें एक था नेशनल हेराल्ड। अब नेशनल हेराल्ड बहुत ही लेट आया, 1938 में, इससे पहले बहुत सारे पेपर्स जो है, महात्मा गांधी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सबने अपने अपने जनरल जो है वो चला रखे थे। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी पूछा जाएगा, याद रखिए। नेशनल हेराल्ड को हिंदी में नौजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के उसमें प्रस्तुत किया जाता था। मतलब ये नेशनल हेराल्ड एक इंग्लिश में आता था, एक हिंदी में आता था और एक उर्दू में आता था। इन तीनों लैंग्वेज में ये पेपर अवेलेबल था। अब उस समय भैया 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों की ये आवाज थी, ये ताकत था बेसिकली जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। 1943 से लेकर 45 तक यहां पे ब्रिटिश सरकार ने इसको सेंसर भी किया था कि कुछ छपेगा नहीं इसमें, चाहे जो हो जाए। अब इसका संचालन जो है, याद रखिएगा ये नाम, याद रखिए, AJL, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AJL करता था। एक पेपर होता है, एक न्यूज़पेपर मैंने बना लिया स्टडी ग्लोस के नाम से, संचालन कौन करेगा, मैं, या मैं किसी और को ले आऊंगा, ठीक है, या अगर मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, जैसे मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 50-100 लोगों को ले आऊंगा, पैसे डालो इसमें, एक मस्त सा एक ग्रुप बनाते हैं, वो इसका संचालन करेगा। तो यही AJL ग्रुप था, इसका संचालन करता था। अब उसके बाद भाई अगर कांग्रेस को कुछ भी बोलना होता था तो नेशनल हेराल्ड के थ्रू ही बोला जाता था। और समझिए कि जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत में बहुत ही शानदार था ये, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी बहुत प्रशंसा की थी 1963 के दौरान। दोस्तों इन्होंने तो इतनी तारीफ की थी नेशनल हेराल्ड की, भाई ये इंसाफ की आवाज है, बहुत कुछ बोला था यहां पे, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजी में ही, इन्होंने हिंदी और उसको हटा के जब भारत आजाद हो तो अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया जाता था। लेकिन दोस्तों धीमे धीमे जो है इसकी कंडीशन खराब होने लगी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आ गए, टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया, इंडियन एक्सप्रेस आ गया, द हिंदू आ गया, तो धीमे धीमे जो है ना वो इसकी जो प्रभुत्व है वो गिरने लगी। अब एक समय ऐसा आ गया कि भैया इनको कोई नहीं खरीदता था। अब हुआ क्या, देखिए AJL इसको संचालित करता था, ठीक है। अब AJL में तकरीबन 1000 शेयर होल्डर्स थे, जब 2008 आते आते 1056 के करीब शेयर होल्डर्स थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दिए थे कि भाई चलो तुम अपना, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था AJL, तो अब कांग्रेस ने पैसे दिए 90 करोड़ रुपए कि चलो तुम्हारा काम चलता रहे, ठीक है। लेकिन 2008 में भैया इनके पास कुछ नहीं था, नथिंग वॉज देयर, कांग्रेस का पैसा चुकाना था, लोन चुकाने थे, लेकिन इनके पास एसेट्स थे। एसेट्स दो चीजें, मैंने मान लो किसी को लोन दिया, मैंने 90 करोड़ का एग्जांपल है, 90 करोड़ लोन दिया, अब वो इंसान कुछ करता नहीं है, उसके वो है फक्कड़ गरीब, वो मुझे पैसे वापस नहीं देगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ढेर सारी है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो भले ही पैसा ना कमा रहा हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टी तो है। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, एक काम करता हूं, मैं तुम्हारा पूरा टेक ओवर कर लेता हूं, जिसमें प्रॉपर्टी मेरी, तुमको मैं मुक्त कर देता हूं। यही केस हुआ है, यही केस हुआ यहां पे। नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जो थी वो लगभग 2000 करोड़ की थी,
2000 करोड़ की थी। अब देखिए ये आप समझ गए कि नेशनल हेराल्ड जो है वो कांग्रेस को जो 90 करोड़ का लोन था वो नहीं चुका पाया। अब देखिए अब इसको तो रफा दफा करना था, तो अब देखिए दिमाग लगाया, 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL बनाया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2010 में स्टेप वन क्या था कि भाई जो नेशनल हेराल्ड का जो संचालन करता है वो लोन नहीं दे पा रहा है, कांग्रेस ने लोन दिया 90 करोड़, वो लोन वापस नहीं कर पा रहा है। स्टेप टू क्या है कि YIL यंग इंडिया लिमिटेड बनाया गया, जिसने AGL को अपने कब्जे में लिया, अधिग्रहण कर लिया। फेयर इनफ 2010 में। लेकिन ये जो YIL बनाया गया इसमें हिस्सेदारी किसकी थी? राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, सैम पित्रोदा की, ऑस्कर फर्नांडिस की, मोतीलाल वोहरा की, इन सब की हिस्सेदारी थी। 76% 38% प्लस 38% सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्टर्स थे ये YIL के। यानी कि एक तरीके से भैया आपका नेशनल हेराल्ड या AGL जो है वो पूरा का पूरा कांग्रेस के पास चला गया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास चला गया। आप समझ रहे हो? तो अब आप बोलेंगे सर चला गया तो चला गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको, तो क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहे? यही तो प्रॉब्लम है। ये जो YIL का ट्रांसफर हुआ है ये मात्र 50 लाख रुपए में हुआ है। 50 लाख एक इंसान की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो 50 लाख में अपने आप को बेच देगा? भाई कांग्रेस को 90 करोड़ का लोन था, कांग्रेस ने YIL बनाया, AGL का टेक ओवर किया खाली 50 लाख रुपए में। अरे 89.50 लाख कहां गए, करोड़ कहां गए बताइए। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 साल बाद इसी पे याचिका दायर कर दी 2012 में। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि इन्होंने अकाउंट बुक्स में हेरफेर किया, इन्होंने बहुत जबरदस्त हेरफेर किया और ये 90 करोड़ माफ। अब देखिए जब देखिए YIL ने AGL का जब टेक ओवर किया तो आप ये समझिए कि एक तरीके से ये था ना कि भाई देखो तुम हमको 50 लाख रुपए हम तुमको दे रहे, तुम मुक्त हो गए, अब उसके बाद जो 90 करोड़ कांग्रेस को बचे हुए हैं ना वो हम चुका देंगे। अरे कहां से चुका देंगे भाई, कंपनी वापस कांग्रेस के पास ही तो आई है। मतलब आप समझ रहे हो यहां पे हुआ क्या? यहां पे ये हुआ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक डायरेक्टर हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, भाई मैंने ही तुमको पैसे दिए हैं ठीक है, और उसके बाद मैं ही तुमको बोल रहा हूं कि भाई थोड़े तो तुम कम पैसे ले लो और बाकी अपने पूरे एसेट्स मुझे दे दो। अरे बात तो वही हो गई ना भाई, मेरी चीज मेरे ही पास आ गई और ज्यादा मुनाफे में आ गई। तो यही तो हुआ है, YIL ने मात्र 50 लाख रुपए में, सिर्फ 50 लाख रुपए दिए, AGL को खरीद लिया और बोला लोन वोन छोड़ दो वो हम देख लेंगे। अरे लोन तो कांग्रेस का ही था 90 करोड़, ये हुआ है। अब दिक्कत ये है कि भैया इनकी जो पूरी संपत्ति है वो 2000 करोड़ की है, 2000 करोड़ की है ठीक है। तो अब यहां पे फिर देखिए 2 साल तक तो सब ठीक चला, 2010 से 2012 तक। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी आपको पता सबके पीछे पड़ गए थे, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में एक याचिका डाल दी कि बहुत भयानक गड़बड़ी हुई है। ये इंग्लिश में ही है ठीक है, ये वो जो हिंदी में बताते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसमें कई बार देखिए 1975 से लेकर 77 तक भी इस पे बैन लगा था, कई बार इस पे बैन लगा हुआ है। तो अब 2012 से क्या हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की, अब तब से ये कोर्ट में चल रहा है और आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे बाहर हैं। इनकी गिरफ्तारी हो सकती है लेकिन कोर्ट ने इनको जमानत दी हुई है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हाईकोर्ट जाओ यार, स्पीडी प्रोसेस होगा तुम्हारा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड करके ठीक है, उसकी संपत्ति बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब देखिए पूरी संपत्ति इनके पास आ गई ना, नेशनल हेराल्ड की जितनी भी संपत्ति थी 50 लाख में जब खरीदा तो पूरी की पूरी संपत्ति इनके पास आ गई। लेकिन कोर्ट ने बोला कि भैया देखो संपत्ति तो तुम्हारे पास आई है लेकिन नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है वो मेन एग्जाम जगह पे है, अभी तो वहां पे कोई प्रिंटिंग हो नहीं रही है, कुछ पब्लिकेशन हो नहीं रहा है, तो वो रिलीज करो। तो वो फिर संपत्ति वापस की गई। उसके बाद में यही YIL जो है ये प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी बन गई और इसने बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर की, यही नेशनल हेराल्ड की एक एक करके प्रॉपर्टी एक्वायर की। और लोन के लिए इन्होंने शेल, मतलब इन पे आरोप है कि एक शेल कंपनी, बंगाल की एक शेल कंपनी को दिखाया, फर्जी कंपनी को। इसीलिए देखो सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे ही की जाती है, इसीलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आया। कैसे कि मान लो कि जैसे मैं हूं है ना, मेरे अब जैसे ये तो हेर फेर हो गया ठीक है, क्योंकि ये सब अकाउंट में आ गया ना, तो कल को इनकम टैक्स मुझे बोलाएगी हाँ भैया तुमने इतना महंगा इतना सस्ते में कैसे खरीद लिया, बाकी क्या तुम्हारे पिताजी देंगे मुझे, ये बोलेंगे मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं सर सब कुछ बढ़िया है, ये इस कंपनी से मुझे पैसा मिला है, इस कंपनी से, ये कंपनी है ना इससे ये सब मुझे पैसा दे रही है यहां से। तो आप ये समझिए कि जब मैं उसको कंपनी का
तो फिर वो मान जाएंगे कि हाँ भाई सही बात है, पैसा कहीं फालतू जगह से नहीं है, लेकिन वो कंपनी ही फर्जी है। एक्चुअली में मैंने मेरा ही पैसा उस कंपनी में लगा है और उस कंपनी के थ्रू मैं पैसा ले रहा हूं। तो यही बता रहा है कि ये शेल कंपनीज के थ्रू ये सब हुआ है, ऐसा इन पे आरोप लगा है। ठीक है, तो अभी ये मामला पूरा कोर्ट में ही है, अभी कोर्ट, अभी इस पे कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। ये आप टाइमलाइन देख सकते हैं, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन दोस्तों अभी ये मामला कोर्ट में ही, अभी इस पे कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन 22 जून को, मतलब जून को, अभी ईडी ने समन कर लिया, ईडी ने समन कर लिया। अब यही ईडी पूछताछ जो है इसी मामले में इनसे कर रही है। ये सारे देखिए, आपकी संपत्ति का, ये सारे राहुल गांधी से सवाल पूछे गए, आपकी संपत्ति क्या क्या, विदेश में कोई संपत्ति है, हाँ तो है तो कहां, कितनी है, क्या भूमिका है आपकी एजेएल में, यंग इंडिया के डायरेक्टर कैसे बने, ये पूछा गया, क्या यंग इंडिया टेक ओवर कर सकती है, एजेएल की देनदारी खत्म करने के लिए जो पेमेंट हुई वो किसके फैसले पर दी गई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझिए। शांति भूषण तक एजेएल के वो थे, शेयर होल्डर थे। मैंने बताया ना कि भाई एजेएल में 1056 के करीब शेयर होल्डर्स थे, मतलब ये पूरी उनकी उनका था। लेकिन जब वाईआईएल ने टेक ओवर किया, शांति भूषण बताता हमसे पूछा तक नहीं गया, बस एक नोटिस आया था, दैट्स इट, हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। देन 50 लाख रुपए के जो शेयर आपने खरीदे उसका पेमेंट कैसे किया गया था, देन उसके बाद आपकी कितनी हिस्सेदारी थी, शेयर कैसे और कितने में खरीदे, शेयर अपने नाम से लिए, जबकि नेशनल हेराल्ड तो कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए दिए थे, शेयर इन्होंने अपने नाम से लिए बेसिकली। ठीक है, टेक ओवर के लिए पुराने शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स, मतलब देखिए वही बता रहा ना कि जब आप, जैसे मैं किसी को कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं, तो उनके शेयर होल्डर्स को बुलाऊंगा ना, बैठूंगा, बताऊंगा कि हाँ भैया बताओ कितने में बेचोगे, यहां कोई मीटिंग हुई नहीं। ये था एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने लोन क्यों दिया जबकि वो एक डूबता हुआ जहाज था, नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने के पीछे क्या मकसद था, तो ये सारे के सारे सवाल जो है वो पूछे गए। अब उसके बाद दोस्तों सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इस तरीके के पोस्टर्स आपको दिखेंगे, है ना, सत्यमेव जयते ये, हाँ ठीक है, तो यहां पे मैं भी राहुल और राहुल झुकेगा नहीं, तो ऐसे ये आपको कल देखने को मिलेगा। कल बहुत बवाल हुआ है, कल इस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, सत्याग्रह के यहां पर कांग्रेस ने। देखिए ये एक चीज तो समझिए, पॉलिटिकल पार्टीज का तो हाथ है, मतलब होता क्या है ना कि जिसकी सत्ता, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बीजेपी को नहीं छोड़ेगी, बीजेपी सत्ता आएगी तो कांग्रेस को नहीं छोड़ेगी, ये राजनीति आजकल हो रही है। लेकिन भैया देखो जो भी है आपके सामने है, और अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी राहुल गांधी के अगर समर्थन में आए, काफी दिक्कतें हुई, काफी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और यहाँ पे जो कांग्रेस का आला कमान था, कल प्रियंका गांधी भी एकदम मैदान में है, तो आला कमान ने यही बोला कि भैया जेल भरो आंदोलन, भर दो जेल, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कुछ कल हुआ और ये नेशनल हेराल्ड केस था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखेंगे जैसा भी होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।